डाटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का डीआई मेमोरी बेस्ट 2015 में एसबीआई मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम का आया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के डीआई पर हम लोग बात करते आ रहे हैं। इस बार बार डायग्राम है और करेस्पॉन्डिंग रेशियोज यहां दिए हुए हैं। इसमें आप सीखेंगे कि परसेंटेज जल्दी से कैसे निकालें, एवरेज उनका कैसे निकालें, रेशियो में उन्हें जल्दी से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ईडीसी, ये सब की अच्छी प्रैक्टिस होगी। आइए डायरेक्शंस पहले देखिए। इन द फॉलोइंग बार डायग्राम नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज एम एन ओ पी एंड क्यू हैज बीन गिवन। रेशियो ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आर ऑल्सो गिवन। ये 5 कंपनीज हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब शर्ट्स एंड ट्राउजर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो यहां पर दिया हुआ है। यानी टोटल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स का ये डायग्राम है और उसमें शर्ट्स एंड ट्राउजर्स क्या हैं, कितने हैं, उनका रेशियो वहां दिया हुआ है। कहने का मतलब जैसे कंपनी एम अगर हम लेंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर, तो 960 उसने टोटल आर्टिकल्स बनाए यानी कि शर्ट्स एंड ट्राउजर्स को मिलाकर के। अब उसमें शर्ट्स एंड ट्राउजर्स कितने थे, तो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 960 को, तो मालूम हो जाएगा कि शर्ट्स कितने थे और ट्राउजर्स कितने थे। और इसी तरह से जो कंपनी एन है उसका भी, ओ कंपनी ओ का भी, कंपनी पी का भी और कंपनी क्यू का भी, इसी तरह से आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बार डायग्राम और करेस्पॉन्डिंग रेशियो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज एम ओ एंड क्यू। एम ओ एंड क्यू में जो शर्ट्स बने उनका एवरेज बताइए। एक तो एवरेज भी है, दूसरा शर्ट्स है, टोटल आर्टिकल्स नहीं है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें तो कंपनी एम में 960 टोटल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स मिला के बने और उसमें शर्ट्स होंगे 5:3 के रेशियो में है शर्ट्स एंड ट्राउजर, तो 5:8 ऑफ 960। अब निकाल लेंगे इसका, फिर ओ में भी निकाल लेंगे और फिर क्यू में भी निकाल लेंगे और निकालने के बाद उनका एवरेज। मैं ये कहना चाहता हूं कि डाटा जो होता है वो एक दूसरे के लिए बना होता है। अगर 5 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं, तो टोटल 8 हुआ ना, 8 मीन्स 961 मीन्स 12×8=96, 12×96 यानी 120, तो 5 मीन्स व्हाट, 600। ये ऐसे ही निकलेगा। कंपनी एम ने कितने शर्ट्स बनाए, 600। मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे आया, लेकिन पहले समझ लीजिए कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में करना है। ओ है, दूसरी कंपनी ओ है, यहां भी शर्ट्स चाहिए, तो ओ में देखिए 7:9, 7 शर्ट्स तो 9 ट्राउजर्स, तो टोटल 16। टोटल अगर 16 हो, 16 इज इक्विवेलेंट टू 1840, तो 1 मींस व्हाट, तो 16 से इसको डिवाइड कीजिए, 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 से 115 टाइम्स कटा, यानी 1 मींस 115, 1 मींस 115, तो 7 मींस 7 इनटू 115, 100 मतलब 700 और 15 मतलब 105, 15 7 जा बोले 105, इसका मतलब 805 बोलेंगे, बोलिए। एट का मतलब यहां पर आप बोले कि समझ ही लीजिए पहले, जैसे हम लोग एम में बोले थे, एम में क्या बोले थे, एम में बोले थे 5 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं, टोटल 8 हैं,
8 ना हो के 960 ऐसे बोले थे, तो 12 मतलब 120 टाइम्स है, तो 5 ना हो के क्या हमें चाहिए, शर्ट्स चाहिए, ट्राउजर्स तो चाहिए नहीं, तो इनटू 120 यानी 600 ये हमारा निकला था। ये समझ गया, इसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हम उनका ओ ओ में देखिए 1840, तो ओ में जो रेशियो है 7:9 है, 7 है 9 है, तो टोटल 16 है। 16 को यदि हम बोले 1840, तो आप इससे डिवाइड करके देखिए 115 होता है, तो हमें सर्च चाहिए, तो इनटू 115 तो 700 और 105, 805 होगा कि नहीं, तो 805 आपका ये हुआ, ये समझ गए। इसके बाद थर्ड क्यू, क्यू में आइए, डाटा वैसा ही रहेगा, एक दूसरे के लिए बना हुआ मिलता जुलता। क्यू क्यू में देखिए 1600 है ना, और क्यू में शर्ट्स 8 और ट्राउजर 17 यानी टोटल 25, 25 मीन 1600, 1 मीन 64, 8 मीन्स 8 क्यूब 512। आप बोलेंगे कैसे, ऐसे 8 शर्ट्स हैं, 17 ट्राउजर्स हैं, टोटल 25 हैं, टोटल 25 ना होकर के 1600 है, तो ये कितना टाइम्स है, तो 25 से इस 100 को काट दीजिए ना 4 टाइम, तो 4 इंटू 16 64 है, तो 8 का मतलब क्या होगा, ये भी इंटू 64 होगा, ये 8 स्क्वायर है, ये 8 है, 8 क्यूब हुआ, और 8 क्यूब तो हमें पता होता है ना 512 होता है, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करने जाए, समझ गए। ये शर्ट्स के रेशियो निकले कंपनी एम ओ एंड क्यू में। अब आपको एवरेज लेना है, एवरेज कैसे लेंगे, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दे, ना ना ना, एवरेज मैं लूंगा 600 का, एक एवरेज मान लेता हूं, 600 में एवरेज मान लू तो यहां आएगा 205 प्लस और यहां आएगा -88 और इसका कैलकुलेशन बाकी है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अरे 12 दोनों में ऐड कर दीजिए ना, ये 100 लेस हो जाएगा तो 117 बचेगा, और 117 बचेगा, 117 को तीनों में डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 39 यानी 639 इज द आंसर, 639 इज द आंसर। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ लोगों को एवरेज में दिक्कत हो रही होगी। आई देखिए, मान लीजिए किसी के पास 600 रुपीज है, किसी के पास 805 है, किसी के पास 512 है, और हमें निकालना है कि इनके पैसों का एवरेज निकालिए, तो हमने कहा सबको बराबर ही तो बांटना है ना, ऐसा करते हैं सब लोग 600 हो जाएगी, तो इनके पास तो 600 है, इनके पास निकलेगा कितना 205 निकलेगा ना इनके पास, इनके पास तो 512 है, इन्होंने कहा मेरे पास तो 88 रुपीज नहीं है, तो 205 वाले ने जो एक्स्ट्रा है कहा अरे इसमें से इसमें से इसमें से 100 यहां रख देते हैं, इसमें से 88 ले लीजिए ना, 12 बचेगा मेरे पास 117 बचाएगा, और तीनों 600 हो चुका, और 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 करके फिर पड़ेगा, तो 600 ईच 39 इज आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी इज, पी ने शर्ट्स कितने बनाए, तो पी में टोटल है 1120 और पी में शर्ट्स एंड ट्राउजर का रेशियो है 3:5, 3 शर्ट्स 5 ट्राउजर्स टोटल 8, 8 मींस 100 मतलब 112 पर 0 ऐसे पढ़िए, 1120 मत पढ़िए, 8 मींस 112 पर 0, तो कोई टेबल पहाड़ा 14 8 112, यस 14 8 जा 112, 140 1 मींस 140, 3 मींस व्हाट 420 इज द आंसर। कहने का मतलब ऐसे, ये 3 शर्ट्स हैं, 5 ट्राउजर्स हैं, तो टोटल 8 ना हुआ, 8 ना हो करके होके मुझे 112 दिखता है, 1120 नहीं 112 दिखता है, 112 दिखने से मुझे लगता है कहीं पहाड़ा कोई टेबल स्ट्राइक कर जाता है, 14 8 14 8 जा 112 और ऐसा कर देते हैं 140, 3 का मतलब क्या,
ये भी इंटू 140, ये भी इंटू 140, लेकिन हमें शर्ट चाहिए ना, ट्राउजर्स तो चाहिए नहीं, तो ये हुआ 420। समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज एन एन पी। उसी तरह से ट्राउजर्स इस बार चाहिए, एन में कितना है 1720, वैसा ही कैलकुलेशन करते हैं ना, वैसा ही कैलकुलेशन करते हैं। एन में चलिए, एन में 24:39:19, तो उसका सम कितना हुआ, इससे वन इसको दे दिए 20, 43। 43 मीन 1720, देखिए 1720, तो 43 को अगर हम 1720 बोले ना जी, 172, देखिए 4 टाइम्स, और ये जीरो और 160 and 12, 172, 40 टाइम्स। तो आपको पता है 40 टाइम्स है, हमें क्या निकालना है, ट्राउजर्स, तो ओ में जो ट्राउजर्स हुए, एन में जो ट्राउजर्स हुए वो 19 इंटू हुए, 19 ट्राउजर, 19 का मतलब क्या, 19 4 जा बोले 760, इतने ट्राउजर्स हुए, तो एन में इतने ट्राउजर्स हुए, ठीक है 1720। उसके बाद दूसरा क्या, पी में क्या है, पी में 1120 हम लोग देख चुके थे, पी में 3:5 है, 8 है, 8 मीन्स 1120, तो 14 8 बोल रहे थे, 14 8 जा बोल रहे थे, 140 बोल रहे थे, 140 into 5 700, दैट मीन्स 1460 इज द आंसर। नहीं समझे, एक 8 था दूसरा 17, एक 8 था पी में 3 था, एक 3 था दूसरा 5 था, टोटल 8 था, 8 ना हो करके पी में 1120 था, इसका मतलब 140, इस बार ट्राउजर्स पूछा था, इंटू 140 यानी 700 और 760 कुल मिलाकर के 1460 आंसर हुआ। ये समझ में आया, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। The number of shirts manufactured by company Q, 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 shirts निकालना है, is what percent of its total production? Total production, देखिए, जरा गौर कीजिए. The number of shirts manufactured by company Q, इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। तो हम लोग बोले 8 शर्ट है, 17 ट्राउजर्स है, टोटल 25 है, 25 ना होके 100 होता, 8 ना होके 32 ना होता, आंसर बोलेगा इसके नंबर को यूज नहीं किया, क्या यूज करेंगे बताइए, नहीं समझे, जरूरत ही क्या है। देखिए ऐसा है कि जो शर्ट्स हैं वो अगर 8 हैं तो ट्राउजर 17 है, 8:17 का रेशियो है, तो टोटल 25 हुआ, 25 में 8 को क्या बोलते हैं, यही तो पूछा है, हम नंबर क्यों निकालें। अगर आप नंबर निकालना ही चाहते हैं तो 8/25 ऑफ 1600 निकालने जाइएगा, फिर बोलिएगा टोटल भी 1600 है, फिर बोलिएगा इतना परसेंट है, बोले क्यों लिखे थे भाई, और इसका परसेंटेज हमें आता नहीं है क्या, क्यों करें, जरूरत ही नहीं है। टोटल प्रोडक्शन 100 हो तो कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन 25 हो तो 8 होगा, मालूम है ना, 25 में 8, 100 में कितना, समझ में आया, इसमें टोटल प्रोडक्शन का कोई यूज नहीं है, उस डाटा का कोई यूज नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एम एंड दैट ऑफ ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं, सुनिए, रेशियो निकालने के लिए कहा है, ओके हम लोग निकाल देते हैं,
कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ शर्ट्स बाय एम, तो एम में जाते हैं 960 है और शर्ट्स कितने हैं 5/8 ऑफ 960 करके नंबर निकाल लेते हैं। फिर बोलते हैं दैट ऑफ ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, पी में जाते हैं, पी में टोटल कितना है 1120 और ट्राउजर्स कितने हैं 5/8 ऑफ दिस, 5/8 इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, कैंसल। हम लोगों को नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप सिर्फ लिख के देखिए आपको समझ में आ जाएगा। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एम, देखिए एम में क्या है 960 और एम में शर्ट्स कितने हैं, देखिए शर्ट्स 5/8 ऑफ दिस। इसके बाद ट्राउजर्स चाहिए पी में, पी का टोटल नंबर कितना है 1120 और पी में ट्राउजर्स कितने हुए 5/8। मुझे बताए यही 5/8 कोई काम का है, ये जीरो कहीं है, कहीं आपको पहाड़ आ जाए कि 16/6/96 और 16/7/112 16/6/96 16/7/112 तो खत्म ना हो जाए क्वेश्चन, 6/7 इज आंसर। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, फोर से काटिए भी तो नहीं कट रहा है, इतनी आसानी से कहां कट रहा है। देखिए अब इतना मेहनत करें जिस लेवल पर आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल पर 16 का टेबल आना चाहिए और ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि 16/6/96 और 16/7/112। अपनी भाषा में पहाड़ा बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा तो 16/6 निकलेगा 96, हिंदी वाले को समझ में नहीं आएगा और हिंदी वाले को 16/6/96 निकलेगा और 16/7/112 निकलेगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा, इस डीआई में भी मजा आया होगा। डीआई के सेशन इसी तरह चलते रहेंगे और हमारा सिलसिला भी चलता रहेगा। एक बात आप साफ समझ लीजिए कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जहाँ तक टाइप्स वगैरह का सवाल है तो मैंने इतने डीआई, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले, इसके पहले कि कुछ बचता नहीं। मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ आगे आप न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले जो 43 डीआईज हुए हैं एनफ, उससे बाहर कुछ नहीं होता। फिर भी हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, हम लोग नए नए क्वेश्चन के साथ आते रहेंगे ताकि आपको और भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।